आप देख रहे हैं जो SDO है उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम से, जो SDO है यहाँ पर भगवान शिव और माता पार्वती की जो मूर्ति स्थापना करते हुए नजर, भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति स्थापना करते हुए आ रहे हैं। जो पंडित जी हैं यहाँ पर देख रहे हैं आप, भंडारे का भी आयोजन किया गया है और जो कर्मचारी है भंडारे का आयोजन किया गया और जो कर्मचारी है भगवान की जो मूर्ति है शिव शंकर भोलेनाथ की और माता पार्वती की उसकी स्थापना करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं उत्तर हरियाणा बिजली वितरण का जो ऑफिस है, पावर हाउस है, लवकरी में स्थित है, यहाँ पर भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति की स्थापना करते हुए नजर आ रहे हैं। पंडित जी शंख बजाकर भगवान को याद कर रहे हैं, पंडित जी शंख बजाकर भगवान को याद कर रहे हैं। और जो SDO है, जेई है, पंडित जी है, आप देख सकते हैं लवकरी मंदिर के अंदर भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति की स्थापना करते हुए नजर आ रहे हैं। जो भी साथी खबर देख रहे हैं खबर को देखते ही शेयर करिएगा और कमेंट करके हर हर महादेव का नारा जरूर लगाइएगा। बिजली कर्मचारी जो है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर अपने ऑफिस के अंदर, अपने पावर हाउस के अंदर जो भगवान शिव की जो मूर्ति है, माता पार्वती की जो मूर्ति है उसकी स्थापना करते हुए नजर आ रहे हैं। खबर को देखते ही शेयर करिएगा। GN24 के माध्यम से कितनी सुंदर तस्वीर आप देख सकते हैं, भगवान शिव शंकर की, माता पार्वती की कितनी सुंदर तस्वीर यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टाइम पर। जो भी साथी खबर को देख रहे हैं शेयर करिएगा और भगवान शिव की जो मूर्ति है एक बार हर हर महादेव का जयकारा जरूर लगाइएगा। आप देख सकते हैं लवकरी पावर हाउस से तस्वीरें देख सकते हैं जहाँ पर जो बिजली कर्मचारी है वो भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति की स्थापना करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हर 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 वर्ष शिवरात्रि पर आप देख सकते हैं भंडारे का भी आयोजन किया गया है। हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी जो है भंडारे का आयोजन किया गया है। जो भी साथी खबर को देख रहे हैं भंडारे में जरूर पहुंचे, भोजन ग्रहण करने के लिए भंडारे में जरूर पहुंचे। तस्वीरें देख रहे हैं आप लवकरी पावर हाउस कॉलोनी से, लवकरी पावर हाउस से आप तस्वीरें देख रहे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर भगवान को जो प्रसाद है वो चढ़ाते हुए भगवान को भोग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ ही समय के बाद जो भंडारा है वो शुरू हो जाएगा और आप देख सकते हैं यहाँ पर भगवान को भोजन ग्रहण कराते हुए नजर आ रहे हैं। जो SDO है यहाँ पर आप देख सकते हैं वेद गुप्ता जी, वो भगवान शिव शंकर माता पार्वती को जो है भोग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके तुरंत बाद जो है भंडारे का आयोजन किया गया, भंडारा शुरू हो जाएगा। जो भी साथी खबर देख रहे हैं खबर को देखते ही शेयर करिएगा और जो भी भगवान के प्रति आस्था रखते हैं कमेंट करके हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। खबर देख रहे हैं आप GN24 के माध्यम से इस टाइम पर लवकरी पावर हाउस से, जहाँ पर आज महाशिवरात्रि के उपलक्ष में पूरे गांव में, समस्त गांव में शोभा यात्रा निकाली गई और शोभा यात्रा निकालने के बाद आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर तस्वीर भगवान शिव शंकर और माता पार्वती की, बहुत ही सुंदर तस्वीर यहां पर जो है स्थापित की गई है, बहुत ही सुंदर तस्वीर यहां पर स्थापित की गई है। खबर को देखते ही शेयर करिएगा। आप तस्वीरें देख रहे हैं GN24 के माध्यम से और गुड़िया है जो लड़की है माता पार्वती जी को जो है वो शाही डालते हुए नजर आ रहे हैं, माता पार्वती को जो है शाही डालते हुए नजर आ रही है। GN24 पर आप इस समय तस्वीरें देख रहे हैं, हरियाणा ग्रामीण न्यूज 24 पर आप लवकरी गांव से, लवकरी में जहां उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के जो कर्मचारी है, समस्त जो कर्मचारी है भगवान शिव शंकर की यहां पर मूर्ति स्थापना की गई है और जो SDO है, जेई है, पंडित जी है और समस्त जो कर्मचारी है आप देख सकते हैं भगवान शिव शंकर माता पार्वती जी की जो है वो पुष्प अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं, पुष्प अर्पित करते नजर आ रहे हैं। गुड़िया है वो यहाँ पर भगवान को तिलक करते हुए नजर आ रही है। खबर को देखते ही शेयर करेगा। तस्वीरें देख रहे हैं आप GN24 के माध्यम से, लवकरी पावर हाउस कॉलोनी से, बिजली घर से, जहाँ पर सभी बिजली कर्मचारियों के द्वारा समस्त गाँव में शोभा यात्रा निकाली गई, समस्त लवकरी ग्राम वासियों के द्वारा गाँव में शोभा यात्रा निकाली गई। उसके बाद जो है प्राण प्रतिष्ठा के साथ पंडित जी के द्वारा मंत्रों के उच्चारण के साथ यहाँ पर भगवान शिव माता पार्वती की मूर्ति की जो है स्थापना की जा रही है मंत्रोच्चारण के साथ और उसके बाद भोग लगाया जाएगा और उसके तुरंत बाद जो है भंडारा शुरू हो जाएगा। जो भी साथी खबर को देख रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हर हर महादेव जरूर लिखे एक बार, खबर को देखते ही शेयर करें और हर हर महादेव जरूर देखे। और यहाँ पर जयकारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं, पंडित जी शंख बजाते हुए नजर आ रहे हैं, हिंदू संस्कृति के अनुसार जो प्राण प्रतिष्ठा वो करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें देख रहे हैं GN24 के माध्यम से। खबर को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर शेयर करिएगा और हर हर महादेव जरूर लिखेगा। GN24 के माध्यम से तस्वीरें देख रहे हैं और जो समस्त बिजली कर्मचारी है वो भी यहाँ पर भगवान शिव और माता पार्वती जी की जो प्राण प्रतिष्ठा है मूर्ति की स्थापना करते हुए नजर आ रहे हैं। जी है, जय है यहाँ पर बिजली बोर्ड के और जो समस्त कर्मचारी है
वो देख सकते हैं हर वर्ष की भांति इस वर्ष जो है भगवान महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में जो है मूर्ति की स्थापना की गई। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम का जो ऑफिस है पावर हाउस कॉलोनी है, समस्त जो कर्मचारी हैं जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं भगवान शिव और माता पार्वती की जो मूर्ति की स्थापना करते नजर आ रहे हैं। सभी ग्रामीण और समस्त कर्मचारी या पूरे गांव में शोभा यात्रा निकाली गई है। उसके बाद आप देख सकते हैं पावर हाउस कॉलोनी में बिजली कर्मचारी और समस्त ग्रामवासियों के द्वारा यहाँ पर भगवान शिव और माता पार्वती की जो मूर्ति की स्थापना की जा रही है। तत्पश्चात उससे पहले यहाँ पर हवन का भी आयोजन किया गया। हवन के समाप्त होने के बाद हवन की जो आहुति है वो पूर्ण होने के बाद यहाँ पर भंडारे का आयोजन भी किया गया। जो साथी खबर देख रहे हैं खबर को देखते ही शेयर करेगा, तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा ग्रामीण न्यूज HGN 24 पर, खबर को देखते ही शेयर करिएगा। और जो भी भगवान के प्रति आस्था रखते हैं हर हर महादेव शिव शंकर भोलेनाथ माता पार्वती का जयकारा जरूर लगाइएगा। ये देखिए हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो प्राण प्रतिष्ठा है वो यहाँ पर की गई है। जो कर्मचारी है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं महिलाएं हैं तालियां बजाकर भजन गाकर माता पार्वती और शिव शंकर भोलेनाथ को यहाँ पर याद करते हुए नजर आ रही है। तो खबर को देखते ही शेयर करिएगा। सर ये कहाँ पर मूर्ति की स्थापना की गई है? ये पावर हाउस गौरी बिरबल में स्थापना की गई है। ये जन कल्याण के लिए की गई है, ये भगवान शिव की आराधना के लिए की गई है। तो ये हर वर्ष यहाँ पर भंडारा किया जाता है? हाँ जी, हर वर्ष यहाँ पर भंडारा किया जाता है और शिवरात्रि के उपलक्ष्य में इस साल हमने मूर्ति स्थापना भी करी है। तो पब्लिक से क्या अपील करना चाहोगे? हम पब्लिक से अपील करना चाहेंगे कि हमारे अध्यात्म के गुणों को अपने जीवन में अपनाएं और अपने समाज को स्वच्छ एवं प्रगति की ओर बढ़ाएं। तो भंडारे का भी आयोजन किया गया? हाँ जी हाँ जी। जो लोग हैं उनसे क्या अपील करना चाहोगे कि भंडारे में प्रसाद प्रसाद ग्रहण करें और भोजन वेस्ट न करें? जी जी। क्या नाम है आपका? चिराग। कहाँ के रहने वाले हैं? इंद्री से। SDO साहब के? हाँ जी। मैडम कैसे लग रहा है भगवान शिव की स्थापना करना ही है? बहुत अच्छा। नौकरी तो करते ही है, देखिए नौकरी के साथ साथ भगवान के प्रति आस्था रखना भी एक बहुत बड़ी बात है। जी है, हमारी आस्था बहुत है। जी जी। और मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया। और आज सर्वसिद्धि योग है, वैसे भी आज का दिन बहुत सुख था। अच्छा, पहले यहाँ पे शिव परिवार की मतलब नहीं थी, स्थापना नहीं थी, पहले सिर्फ शिवलिंग था, तो इसलिए इसकी जरूरत को समझते हुए इन्हें कदम उठाया और शिव परिवार की स्थापना की। चलिए एक बार जोर से जाकर ललकारिए हर हर महादेव। हर हर महादेव। साथ ही आप खबर देख रहे थे लवकरी पावर हाउस से और भी महिलाएं हैं हमारे साथ, उनसे भी बातचीत। माता जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। जय हो। तो कैसा लग रहा है आज आपको आपके गांव के अंदर जो है पावर हाउस कॉलोनी के अंदर भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति की स्थापना की गई है? बहुत अच्छा लग रहा, बहुत खुशी लग रही, बहुत ही वो रहा, मतलब कुछ अपने अंदर से बयान नहीं कर सकते हम। जी जी जी। तो पूरे गांव में शोभा यात्रा भी निकाली गई? हां जी हां जी। तो पूरे गांव वालों ने भी इसमें कहीं ना कहीं सहयोग दिया गांव वालों ने। उसके बाद भंडारे का भी यहां पर आयोजन। हां जी हां जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कविता है। कविता। हां जी जी। आप क्या कहना चाहेंगे? बस जी मेरे अंदर बहुत खुशी है, बहुत ज्यादा खुशी है कि यहाँ से तो कोई दिखा भी नहीं था, कोई भी नहीं आया करा था यहाँ से, सारे आज मेरे भोलेनाथ ने इतना चमत्कार दिखाया, इतना चमत्कार दिखाया कि मैं बता नहीं सकती। हाँ यही सोच रही थी मैं कि मेरे भोले बाबा ऐसा चमत्कार दिखा दे कि आज मैं बता भी नहीं सकती। किसी से भी लगवाई है यहाँ इन मूर्ति किसी से भी लगवाने? बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ बिजली कर्मचारियों ने इतना कर दिया तो महिलाएं बोल रही है शीशा भी यहाँ पर लगवा देना चाहिए ताकि जो मूर्ति है। ऐसा था कि वो बुजुर्ग था, इसमें लगे था 16 साल रहे सुंदाड़ी का था, रणवीर शर्मा जी था, वो न्यू दरगाह का गया था, उसकी वजह से सब कुछ है क्या। आज हमारी आत्मा बहुत खुश है, वो मेरा बाप वीर बजरंगी हर हर महादेव और शंकर भगवान की। देख रहे हैं आप यहाँ पर जो महिलाएं हैं जयकारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं भगवान शिव शंकर माता पार्वती जी की, जो आज यहाँ पर मूर्ति स्थापना की गई है जयकारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और भी जो साथी हैं कर्मचारी हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या कहना चाहोगे आज जो शिवरात्रि के उपलक्ष्य में भगवान शिव और माता पार्वती की यहाँ पर मूर्ति की स्थापना की गई है? बहुत ही अच्छा लग रहा है जी। और यहाँ पे तो काफी समय से ही मान ले पहले शिवलिंग था जी, और शिव जो शिव परिवार है उसके बारे में बहुत पुराने टाइम से मांग थी कि सभी कर्मचारियों का भी था अपना के यहाँ शिव परिवार की स्थापना के सहयोग से किया गया। सभी कर्मचारियों का जी, गांव वासियों का जी, आसपास के सभी का सहयोग है जी इसको यहाँ शिव बनाने में, मंदिर का जीर्णोद्धार करने में। और बहुत ही अच्छी बात है, इससे साफ सफाई भी हो गई है जी, और सभी का आस्था का केंद्र है जी, यहाँ गाँव वाले भी सभी यहीं आते हैं जी, और बहुत अच्छा है जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है जी। मेरा नाम अनिल कुमार है। हाँ जी, बिजली बोर्ड में है जी।
जी तो आप देख रहे हैं अनिल कुमार जी कर्मचारी है बिजली बोर्ड में, बहुत अच्छा कहीं ना कहीं बताते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं चारों तरफ दिखाना चाहूंगा, जहां पर एक तरफ झाड़ खड़े थे वहां पर जो इतना सुंदर मंदिर यहां पर बना दिया गया, सभी कर्मचारी और समस्त ग्रामवासी और जो आसपास की पब्लिक है उनके सहयोग से जो यहाँ पर है भगवान शिव और माता पार्वती का इतना सुंदर इतना भव्य मंदिर बना दिया गया है पावर हाउस कॉलोनी के अंदर। आप चारों तरफ देख सकते हैं चार दीवारी की गई है, बाकायदा फर्श यहाँ पर लगा दिया गया है और आप देख सकते हैं इधर की मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं झाड़ खड़े थे उनकी साफ सफाई करके भगवान शिव यहाँ पर विराजमान आज कर दिए गए। कल शिवरात्रि है तो जो भी साथी इस खबर को देख रहे खबर को देखते ही शेयर करिएगा और जो भी भगवान के प्रति आस्था रखते हैं एक बार हर हर महादेव माता पार्वती का जयकारा जरूर लगाइएगा। तो इसके तुरंत बाद ही यहाँ पर जो है भंडारे का आयोजन किया गया है, भंडारे का आयोजन हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी किया गया है। तो जो भी साथी खबर देख रहे हैं शेयर करिएगा और भंडारे में प्रसाद ग्रहण जरूर करने के लिए पहुंचेगा। सर क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार। नमस्कार। आज मैं कहूंगा बहुत ही खुशी का दिन है क्योंकि सनातन धर्म का एक प्रचार के रूप में कहूंगा मंदिर में मूर्ति पूजा की प्राण प्रतिष्ठा की, उनकी स्थापना की और मैं एसडीओ साहब का बल्कि पूरे डिपार्टमेंट के जितने भी कर्मचारी हैं बल्कि यहाँ तक के रिटायर कर्मचारी भी हैं इसमें शामिल हुए हैं उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और वो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस पवित्र कार्य हम सब ने हिस्सा लिया और आपका भी धन्यवाद, आपने एक कवरेज की और यहाँ के जो हमारा हिंदू सनातन धर्म है उसको इस तरह से प्रचार रहे और लोगों में इस तरह से उसकी आस्था खड़ी हो उसके लिए सब मिलके कार्य कर रहे हैं। इससे अच्छा मैं नहीं चाहता मानता कि कोई और कार्य हो सकता है। क्या नाम है सर? मेरा नाम बलबीर सिंह, गांव डबकोली से। मैं अपने लिए भी बोलता हूँ, मैं भी बड़ा खुश नसीब हूँ। जी जी जी। आज समझता हूँ भी कुछ दिन पहले एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था वहाँ पर भी, हमारे वहाँ पे महायज्ञ लक्ष्मी नारायण का महायज्ञ हुआ था उसमें भी गांव के हमारे गांव के लोगों ने बल्कि बाहर से दूर दूर से लोग आए थे उस पवित्र कार्य में। और अभी इस टाइम पे एक और हमारी जो आस्था है वो बढ़ती जा रही है कहीं ना कहीं भगवान के प्रति और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि यहाँ पर गुमटी गांव है वहाँ पर भी एक 5500 ब्राह्मणों के द्वारा शाहबाद के पास एक यज्ञ किया जा रहा है तो बहुत बहुत बड़ी खुशी होती है। बहुत बड़ा प्रोग्राम है और मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से अपने सभी भाइयों पूरे समाज को हिंदू समाज को कैसे सनातनी कार्यों में सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, अपना तन मन धन से योगदान करना चाहिए और उन लोगों का धन्यवाद करना चाहिए जो इनमें अग्रणी होकर कार्य करते हैं। जी जी। तो मैं फिर से पूरे स्टाफ का एसडीओ साहब उनके पूरे स्टाफ हमारे गुरदयाल फोरमैन जी सभी का धन्यवाद करूंगा कि आप सब ने इतना पवित्र और शोभा का कार्य। जी धन्यवाद धन्यवाद। तो हमारे साथ आप देख रहे हैं बलबीर मढाणी जी थे डबकोली से और एसडीओ साहब है उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर सबसे पहले तो हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो कैसा लग रहा है आपको कि अपने घर में तो मंदिर की स्थापना करते हैं कहीं ना कहीं जहाँ पर आप काम करते हैं कहते हैं कर्मी पूजा वहाँ पर आज एक मंदिर की स्थापना की गई है भगवान शिव और माता पार्वती की जो मूर्ति की स्थापना की गई है क्या कहना चाहेंगे कैसा लग रहा है? सबसे पहले सबको हर हर महादेव। हर हर महादेव। आज हम बिजली बोर्ड के प्रांगण में हमारा यहाँ पुराना शिव मंदिर है उसके अंदर शिवलिंग तो पहले था और हमारी इच्छा जागृत हुई इस बार हमारे पूरे स्टाफ की कि यहाँ पर मूर्ति की स्थापना की जाए तो हमने शिवरात्रि के पक्ष पे हमने शिव परिवार की मूर्ति स्थापना की है जिससे हमारे बिजली बोर्ड में और हमारे आसपास के सारे देहात गांव में हमारे सारे जानकारों के सब में सुख शांति बनी रहे और शिव की महिमा सबके ऊपर अपार से बरसती रहे। जिस तरह सबके काम दिन दुगनी रात दुगनी चौगनी तरक्की होती रहे हम यही दुआ करते हैं कि शिव परमात्मा हमारे ऊपर इसी तरह से कृपा बना के रखेंगे। हर हर महादेव। जी 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 धन्यवाद। थे एसडीओ साहब थे हमारे साथ, आप देख सकते हैं वेद गुप्ता जी यहाँ पर इस टाइम पर कार्यरत हैं उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम का जो ऑफिस है लवकरी पावर हाउस जो है यहाँ पर। एसडीओ साहब ने बहुत ही अच्छी बात की है कि यहाँ पर शिवलिंग था मंदिर था बहुत ही पुराना मंदिर है लेकिन उसके साथ साथ आज भगवान शिव और माता पार्वती की जो मूर्ति है उसकी स्थापना की गई है। तो साथियों जो भी खबर को देख रहे हैं खबर को देखते ही शेयर करिएगा HGN24 यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम पर लिखिएगा और खबर को देखते ही शेयर करेगा। तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं लवकरी गांव से पावर हाउस कॉलोनी से भगवान शिव और माता पार्वती के मंदिर से रविंद्र डांगे के साथ। धन्यवाद। सुरेश कामबोज जी हमारे साथ जेई है सब डिवीजन गढ़ी बीरबल में, अब उनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि जो मूर्ति की स्थापना हो किस प्रकार से यहाँ पर की गई है भगवान शिव और माता पार्वती की। अच्छा हम बस जाना शिवरात्रि में भंडारा करते हैं तो महाराज जो साहब वेद प्रकाश गुप्ता जी कहने लगे भी शिवलिंग की तो स्थापना हो रही है लेकिन यहाँ पर शिव परिवार की स्थापना नहीं है तो क्यों ना यहाँ शिव परिवार की स्थापना की जाए। तो एसडीओ साहब की हाँ में हाँ मिलाते हुए सभी जितने हमारे कर्मचारी साथी थे सबने कहा एक सूर में कहा भी हाँ एसडीओ साहब की बहुत बढ़िया बात है, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि यहाँ पर मंदिर में शिवलिंग के साथ शिव
परिवार की भी स्थापना की जाए। और हमारे एसडीओ साहब ने ये बीड़ा उठाया और सभी कर्मचारियों ने अपने पूरे सहयोग से अपना प्रभु कार्य में अपना समय लगाते हुए ड्यूटी के बाद और इस कार्य को अंजाम दिया, जो कि आज यहाँ पर शिव परिवार की स्थापना हुई है। और उससे पहले हवन हुआ, फिर बात फेरी की गई और अब इस यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। जी जी जी, क्या नाम है सर आपका? मैं सुरेश कुमार जय बीड़ी बोर्ड से हूँ जी। धन्यवाद साथ। जी जी जी, थैंक यू। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं समय पर एचजीएन 24 के माध्यम से। मैं आपको पूरी तस्वीरें दिखाना चाहूंगा मंदिर की। आप चारों तरफ देख सकते हैं, मंदिर बहुत ही भव्य है, सुंदर मंदिर यहाँ पर बनाया गया और अभी यहाँ पर जो भंडारे का आयोजन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। तो खबर को देखते ही शेयर करिएगा। इस टाइम पर आप तस्वीरें देख रहे थे लवकरी पावर हाउस से। धन्यवाद। देखिए भंडारे का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। भंडारे का आयोजन लवकरी में आज मूर्ति स्थापना की गई, उसके बाद जो है भंडारे का आयोजन किया गया है। तस्वीरें देख रहे हैं आप एचजीएन 24 पर।